नहीं है, आपसे भैया है, चाचा है, पापा है, आपको छोड़ दी क्या है, क्योंकि घर में गुड टच कौन करता है, मम्मा करती हैं, पापा करते हैं, दादी पापा करते हैं, इसके अलावा कोई आपका गार्ड छूटता है, आप इतनी बड़ी हैं, अगर चाचा ने आपको टच किया गार्ड तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगता ना। इसी तरह जब हम गुड टच और बैड टच के बारे में जानते हैं तो इसी तरह से ये है, हमें इनको गले से लगा लिया, प्यार कर रहे हैं, तो ये गुड टच है क्योंकि आप बच्चे हो मेरे, ठीक है। अगर कहीं पर हम गलत भावना से उनके शरीर का हाथ फेर रहे हैं, पीछे हाथ लगा रहे हैं, तो ये क्या है, बैड टच है। बैठने का तरीका, जैसे हम दोनों बैठे हैं, ये बैठे, अब हम धीरे धीरे हाथ फेर रहे हैं, ये क्या है, बैड टच। ये कर रहे हैं तो मतलब आप गंदा लग रहे हैं कि आप क्यों मेरे शरीर को छू रहे हैं। तो हमें जब भी अपने से बड़ों के साथ बैठना है तो ये चीज का खास ध्यान रखना है कि बगल वाला पर्सन हमारे साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है। इतना तो ऐसा समय होता है ना कि भले वो मेरे घर के सदस्य हो, भाई हो, चाचा हो, दादा हो, कोई भी हो, मैं एक दूरी होनी चाहिए। तो यही चीज आप लोग क्लास में होते हो, कभी भी टीचर्स होते हैं आपसे पूछ रहे हैं, बेटा सवाल बताओ, आप नहीं सर ये सवाल बता दीजिए, आपने ये कॉपी दिया सर ने लिया, ठीक है चेक कर रहे हैं, खड़े हैं, उसके बाद फिर आपने उन्होंने दिया, उसका दोबारा आया पता चला सर आपके बजाय मेरा हाथ ही नीचे छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, करते कर रहे हैं, होता है ना ऐसा, तो ये क्या है, गलत है ना। आप तुरंत उसकी शिकायत आपको प्रिंसिपल से कीजिए, ऑफिस में आके बताइए, देखिए यहाँ सारी लेडीज हैं, एक आदि दो जेंट्स हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, बाहर कोई प्रॉब्लम होती है तो बाहर की प्रॉब्लम घर में जाकर मम्मी पापा से शेयर कीजिए, उनसे बताइए कि पापा मैं आज रास्ते पे जा रही थी, फला व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की, उसको छिपाइए नहीं, उसको बताइए, घर में अगर भैया हैं, चाचा हैं, कोई आपसे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आपको सर महसूस हो रही है कैसे बताएं, उसको मम्मी से जरूर शेयर कीजिए। आप मम्मी आपकी पहली गुरु होती है जो आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान देती है, देती है ना, कि किस राह पे आपको चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, किसके साथ बोलना है, किसके साथ नहीं बोलना है, मम्मी बताती है ना, करने पापा तो बताती नहीं ये चीज़ें। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा एहसास होता है कि ये चीज़ गलत है तो उसको तुरंत घर में आकर मम्मी से शेयर कीजिए, बड़ी बहन है मुझसे शेयर कीजिए कि दीदी आज मेरे साथ ऐसा हुआ, स्कूल में कोई सर मैम आपके साथ तकलीफ करती हैं या कुछ करती, तो आप तुरंत आकर स्कूल में मैम है, हम हैं, ये मैम है, आप आके हम लोगों से बताइए कि आज सर ने किस तरह हमारे साथ किया, ठीक है। अब आप लोग छिपाएंगे तो नहीं कोशिश, हाँ, क्योंकि देखिए जागरूकता ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है, जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। उसके बाद आता है